नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कहा है कि भाजपा कांग्रेस दोनों एक ही पार्टी हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने सत्ता में आने के बाद 9 घोटाले किए हैं। हरियाणा में विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में कानून नाम की कोई चीज नहीं है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अभय चौटाला रोहतक में जिला स्तरीय सम्मेलन में उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान अभय चौटाला ने जिला इनेलो कार्यालय का भी उद्घाटन किया। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट है। ही नहीं, अगर विपक्ष होता तो फिर मान के चलो इन चीजों पर लगाम लगती, फिर सरकार कहीं ना कहीं मजबूर होती। विपक्ष में तो कांग्रेस अपने आप को विपक्ष मानती है, हमारे यहाँ विपक्ष की पार्टी कांग्रेस है, हुड्डा तो मिला हुआ है। अब मैं फिर बताऊंगा कि हुड्डा कांग्रेस बीजेपी के साथ मिला हुआ है, तो फिर हुड्डा तुम्हें कल बुला करके कहेगा कि अभय सिंह मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, ये सच्चाई है, आपके समझने की जरूरत है। आप पूछो हुड्डा से ये बात है कि जब राज्यसभा का चुनाव था और उस राज्यसभा के चुनाव में तू दो बार मुख्यमंत्री रहा था, तू अपना बैलेट पेपर खाली क्यों छोड़ गया है? आर के आनंद के पक्ष में अगर वोट डालता तो आर के आनंद जीतता कि नहीं जीतता? इसलिए खाली छोड़ के आया था कि सुभाष चंद्रा की मदद कर रहा था, बीजेपी के साथ इसने हाथ मिलाया हुआ था। पेन की सही बदली गई थी, बहुत बड़ा कलंक लगा था हरियाणा के विधायकों के ऊपर। सही बदलने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पेन बदलने में बहुत बड़ी भूमिका थी। जयप्रकाश से पहले एक MLA वोट डाल के आता है बीजेपी का, एक अंबाला वाला सिटी वाला, वो तो पेन रख के आता है और जयप्रकाश अपना वोट डाल करके उस पेन को उठा के अपनी जेब में डालता है और ओरिजिनल पेन फिर वो रख करके आता है। ये तो सबूत है इन चीज़ों के। उसके बाद हुड्डा ने अपने बेटे को राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। अगर बीजेपी कैंडिडेट खड़ा करती तो ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा में एक वोट से उनका मेंबर हार सकता था। ये रिस्क क्यों नहीं लिया बीजेपी ने? जहाँ उनके पास वोटों की बड़ी कमी थी वहाँ तो इन्होंने कैंडिडेट खड़े किया, राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, जहाँ उम्मीद ही नहीं थी बनने की वहाँ तो हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते थे, और यहाँ एक वोट की जहाँ ज़रूरत थी वहाँ इन्होंने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। तो आसान उतारा कि नहीं उतारा इसका? अब फिर इस सरकार को 6 महीने ऑक्सीजन देने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। हुड्डा को इस बात का पता था कि तेरे नो कॉन्फिडेंस लाने से सरकार नहीं गिरेगी। फिर क्यों नो कॉन्फिडेंस लिया? फिर प्रस्ताव ले आया, उस पर चर्चा करके वापस क्यों नहीं लिया? जब पता था सरकार नहीं गिरेगी तो क्यों ढोंग रचाई इसने? ये तो सरकार को ऑक्सीजन देने की बात थी कि मैं अगर नो कॉन्फिडेंस लाऊंगा तो जो लोग आज कहीं सरकार के खिलाफ सत्ता में बैठे, आज दबाव में है, प्रेशर में है, जो बयान दे रहे हैं इस किस्म का, उन लोगों का मुंह बंद कराने के लिए इसने काम किया ना। अगर नो कॉन्फिडेंस मूव करता तो ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ती, इन्हीं में बैठे लोग और ज़्यादा विरोध करते और ज़्यादा लोगों के प्रेशर में आते। इसने तो उन लोगों का मुंह बंद करा दिया जो कहीं किसान के प्रेशर में आकर के सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। नहीं मुंह बंद हो गया था, आप बता दो। तो हुड्डा तो लगातार इनकी कठपुतली है, इनके हाथों में खेल रहा है, लगातार बीजेपी के साथ मिला हुआ है। आपने बात करी थी महंगाई की, आप पेट्रोल और डीजल को रोज रेट बढ़ते हैं वो तो महंगा हो ही जाए, उसके इलायदा जो रोज़मर्रा की चीज़ हम बाज़ार से खरीद के लेके आते हैं उसके दाम बहुत बढ़े हैं। स्टील जो है उसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। आपने क्योंकि ख़रीदा नहीं इन दिनों में, डीजल पेट्रोल रोज डलवाते हैं, लेकिन स्टील भी कोई घर बनाता है, कोई और काम में सोच के काम लेता है। प्लास्टिक के दाम रोज़ बढ़ते हैं। खाने वाली दालें जो है, जो लोगों ने परचेज कर ली, जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों ने सस्ते में लेकर के गोदामों में रखी, उसके दाम रोज बढ़ रहे हैं। सरसों जब किसान से खरीदी तब तो सस्ते में थी, आज उसके तेल का क्या भाव है?
महंगाई इतनी है, तो महंगाई लगातार हर चीज में इन्होंने बढ़ाई है। ये तो पूंजीपतियों के हाथों में खेलने वाली सरकार है। अगर अपोजिशन होती तो फिर ये लड़ाई लड़ी जाती है, फिर इन चीज़ों पे अंकुश लगता है, फिर सरकार भी प्रेशर में आती है। आज कोई अपोजिशन नहीं है। शरद पवार ने एक प्रयास शुरू किया है, सीनियर लीडर है। मैं तो उम्मीद करूंगा, परमात्मा से प्रार्थना भी करूंगा कि वो अपने इस मिशन में सफल हों और तीसरा मोर्चा बढ़े ताकि सरकार पर लगाम लगे, ये बहुत जरूरी है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वो शख्स है जो एक दिन भी कभी घर में आराम नहीं किया। उनको हमेशा अपनी पार्टी की, अपने कार्यकर्ताओं की चिंता रही है। जैसे अब स्वस्थ होंगे, आज की डेट में हॉस्पिटल में है, उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनके हाथ में चोट है। जैसे ही वहाँ से हॉस्पिटल से घर आएंगे, जैसे ही डॉक्टर उनको इजाज़त देंगे, वो उसी दिन कार्यकर्ताओं के बीच आ जाएंगे। और वो फिर बीच आकर के जैसे उन्होंने पहले अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया, उससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं में जान फूंकेंगे, वहीं किसान आंदोलन को भी बड़ा कर देंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि किसानों की बात को सुना जाए। आपने भ्रष्टाचार की बात अभी की और उसको लेकर के आप भी कई बार कह चुके हैं कि आपके पास भ्रष्टाचार की कुछ सीढ़ियाँ हैं, कुछ दस्तावेज हैं, आप जल्दी जनता के सामने लेके आएंगे, लेकिन वो भी काफ़ी लंबा समय चला गया, वो सामने नहीं आए। मैंने ये नहीं कहा मेरे पास सीढ़ी है। अब तो सारी चीज़ें सार्वजनिक होती हैं। आज आप RTI में कोई भी चीज़ मांग लें, सारे सबूत आपके सामने आ जाते हैं। शराब घोटाले की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दे, अपने आप सारी पोल खुल जाएगी। मेरे पास उस रिपोर्ट की कॉपी है, मैं वो तब तक नहीं आप लोगों के बीच में लेकर के आऊँगा जब तक ये सार्वजनिक नहीं करें। ये उसमें क्या छुपाएंगे फिर मैं बताऊँगा कि इन्होंने क्या चीज़ें छुपाई है, फिर वो कॉपी आपको देंगे। करनी पड़ेगी। कितने दिन भागेंगे, कितने दिन भगाओगे? आखिर सार्वजनिक तो करना पड़ेगा, आखिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, इन्हें बीजेपी वालों को आदत है, क्या इसका समाधान क्या हो सकता ताकि वो किसान जो बैठे हैं वहाँ वो उठ सकें? ये बीजेपी वाले प्याज भी खाते हैं, जूते भी खाते हैं, ये मानेंगे, माननी पड़ेगी। नहीं मानेंगे तो यूपी का जो चुनाव आएगा वहाँ का किसान इनको धूल चढ़ा देगा, साफ कर देगा। अच्छा, आपने शरद पवार का जिक्र किया तो थर्ड फ्रंट का आप हिस्सा बनेंगे क्या? थर्ड फ्रंट मैं कहता हूँ कि शरद पवार के प्रयास परमात्मा सफल करे। सबसे बड़ा अहम सवाल ये इनेलो का वर्चस्व यहाँ किस स्ट्रेटजी से कायम करेंगे? जो इनेलो का वर्चस्व था, अब वर्चस्व दोबारा से कैसे उसको एस्टेब्लिश करेंगे आप? हम लोग सत्ता में नहीं आए, ये ठीक है, कहीं इस किस्म के षड्यंत्र थे जिसमें कोई लोगों के दाव लग गए, लेकिन आज की तारीख में मैं ये बात बड़े दावे के साथ ठोक करके कह सकता हूँ, बीजेपी JJP कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर किसी अधिकारी के ऑफिस में जाते हैं तो उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई कार्यकर्ता अपने काम से किसी अधिकारी के दरवाजे पर जाएगा तो अधिकारी उसको इज्जत के साथ अंदर बुलाएगा और उसके काम को करेगा। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है, मैंने कहा ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। चुनाव की तारीख तय करा, चेहरा तो अपने आप आ जाएगा, चेहरों की कोई कमी है हमारे पास? अच्छा चाचा, जिस तरह से अकाली दल के साथ पंजाब में बसपा का गठबंधन हुआ है, आपने भी कलेक्ट किया था, तो क्या अब ये कायम जारी रहेगा? मेरा अनुभव अच्छा नहीं है BSP के साथ। BSP के हरियाणा के इकाई जो थी उनका और मेरा बहुत अच्छा तालमेल था, इसलिए भारती जी आज आपके बीच में हैं।
सारी बीएसपी तो लेकर ही सारी बीएसपी हमारे साथ आ गई, बीजेपी लेकर राणा जी, लेकिन बीएसपी लेकर हम आ गए अब लोकल तो पूरा। लेकिन मैं सुखबीर बादल से जब भी बात होगी उनको जरूर अपनी तरफ से एक सलाह दूंगा कि मायावती की बात पे ज़्यादा भरोसा ना करना। ये भी भाजपा के इशारों पे चलने वाली औरत है, भाजपा इसको जैसे चाहती है वैसे मोल्ड कर लेती है, भाजपा जैसा चाहती है इनसे फैसला करा लेती है। हो सकता है चुनाव का जब समय नज़दीक आए, जैसे हमें छोड़ करके धोखा दे के गए उस तरह से उनके साथ भी दगा कर सकते हैं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आज मैंने पढ़ा कि जब से हमारी हरियाणा में सरकार बनी है प्रदेश को हमने भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया। अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी का जो पार्टी रूलिंग पार्टी हो उसका प्रधान प्रेस के रोबरू होकर के झूठ बोले, प्रेस के रोबरू होकर के उन प्रेस के साथियों को गुमराह करे जो हरियाणा की सरकार से पूरी तरह से वाकफ है। नड्डा को शायद नहीं जानकारी, तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूँगा इस लॉकडाउन के दौरान जो पिछले साल ये महामारी शुरू हुई थी अब तक जो महामारी चली आ रही है इसमें 9 बड़े घोटाले हरियाणा प्रदेश में हुए। धान का घोटाला हुआ, सरसों का घोटाला हुआ, बाजरे की खरीद में घोटाला किया गया और शराब का घोटाला हुआ, रजिस्ट्री का घोटाला हुआ, उसके इलायदा दवाइयों की जो खरीद है जो इस कोरोना की महामारी के दौरान परचेज करी हेल्थ डिपार्टमेंट में उसमें भी 450 करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला हुआ है। ये सारी चीज़ें असेंबली में आई हुई हैं और असेंबली के अंदर मुख्यमंत्री ने खुद ने हमें इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि मैं जांच कराऊंगा। शराब घोटाले की जांच के लिए 2 बार, एक बार तो मुख्यमंत्री ने खुद ने SIT का गठन किया, होम मिनिस्टर ने तो SIT का था, उसने अपनी तरफ से नाम दिए 3 अधिकारियों को कि इनकी मौजूदगी के अंदर एक SIT का गठन हो जाए। मुख्यमंत्री ने उस SIT को गठन करने के बजाय SIT का गठन किया कि मुख्यमंत्री डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाए और उसने उसकी जांच के आदेश दे दिए। उसकी जांच हो करके उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को और होम मिनिस्टर दोनों को सबमिट होगी, जबकि जिम्मेवारी बनती थी उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना इस रिपोर्ट में क्या था। बजाय उसको सार्वजनिक करने के अपने लोगों को बचाने के लिए एक और कमेटी बना दी विजिलेंस की, सीनियर मोस्ट IPS अफसरों की ड्यूटी उसमें लगा दी और उसने भी अपनी रिपोर्ट दे दी। विजिलेंस की रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री के पास चलेगी, होम मिनिस्टर ने भेज दी। मुख्यमंत्री ने वो रिपोर्ट भी सार्वजनिक करने की बजाय अपने प्रिंसिपल उसको चीफ सेक्रेटरी को दे दी कि आप इसका अध्ययन करेंगे, मतलब किस तरह से जिन लोगों ने शराब का घोटाला किया, जिस जहरीली शराब पीने से 46 लोगों की मौत हुई इस प्रदेश में, आज तक उन लोगों के खिलाफ इस सरकार में बैठे लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जमीनों की रजिस्ट्री को लेकर के 350 अधिकारियों के नाम जो FCR है आज, उसने अपनी तरफ से एक रिपोर्ट बना करके मुख्यमंत्री को सौंप दी और ये कह दिया कि अब आगे मुख्यमंत्री का काम है कार्रवाई करना। उसमें भी साफ लिखा है कि 350 अधिकारी रजिस्ट्री के घोटाले में शामिल हैं, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। दवाइयों की जो खरीद है उसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि 450 करोड़ रुपए ज़्यादा दे करके दवाइयाँ खरीदी गई हैं,
उसमें किन लोगों ने खरीदी, जो मुख्यमंत्री के बहुत चहेते लोग थे जो परचेज करने वाले थे, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है। नड्डा को मेरे ख्याल है शायद मुख्यमंत्री ने नहीं बताया कि मैंने इस प्रदेश को भ्रष्टाचार के मामले में अब तक के जितने मुख्यमंत्री हैं सबको पीछे छोड़ दिया। आज प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था खत्म है, जीरो है। आज कोई अधिकारी सरकार में बैठे लोगों की एक बात सुनने और मानने को तैयार नहीं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। इस कोरोना की महामारी के अंदर सरसा जिला में मुख्यमंत्री कोरोना का निरीक्षण करने गया और वहाँ किसी चार लोगों ने उसके आगे शिकायत कर दी सीएमओ की, सीएमओ ठीक से काम नहीं कर रहा, उस सीएमओ को ट्रांसफ़र कर दिया। किसी सीएमओ को ट्रांसफ़र करो, किसी अधिकारी को ट्रांसफ़र करो, अगर उसकी शिकायत मिलती है, अगर वो ठीक काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए, उसके लिए इंक्वायरी बैठानी चाहिए, ज़रूरत पड़े तो उसकी जॉब से भी उसको हटाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई लापरवाह है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये सजा नहीं है किसी को कि तेरा तबादला कर दिया। तीन सीएमओ बदले तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि सरकार में बैठे लोगों की पकड़ नहीं है। अधिकारी अपनी मनमर्जी करते हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई भी नहीं कर सकते।